नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कैसे आप जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म एन एक्स्ट्रा फाइव भरेंगे। जो ट्रांसपोर्टर है गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, तो कैसे वो फॉरवर्ड चार्जेस के बेसिस पे जीएसटी पे कर सकते हैं। उसके लिए उनको यहाँ पे फॉर्म एन एक्स्ट्रा फाइव भरना पड़ता है, जो कि आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको सर्विस में जाना होगा, यूजर सर्विस में जाएंगे और यूजर सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे अगर जीटीए जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और चाहता है कि वो अपने इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करे, तो वो फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में आ जाता है। दरअसल दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जीएसटी जो है जीटीए के पास ऑप्शन होता है कि रिवर्स चार्ज बेसिस को ऑप्ट करे या फिर फॉरवर्ड चार्जेस को, किसी एक मेथड में रहना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन भी लेके आई थी और चेंजेस भी किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों इस फॉर्म एनेक्सर 5 को भरने से पहले ये जीटीए के द्वारा भरा जाना है अगर वो फॉरवर्ड चार्जेस ऑप्ट करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी एडवाइजरी के बारे में बता दूं कि इसको भरने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं ये फॉर्म भी भर के बताऊंगा और एडवाइजरी भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एडवाइजरी के ऊपर बात करें। सर दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए देखो नोटिफिकेशन नंबर 03/2022 को देख सकते हैं, सेंट्रल टैक्स रेट का, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जीटीए के पास ऑप्शन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास ऑप्शन है, या तो वो ऑप्ट करेगा फॉरवर्ड चार्जेस को या फिर रहेगा वो आरसीएम में। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दो मेथड को ऑप्ट नहीं कर सकता, मतलब या तो जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जमा होगा अगर जीटीए अपनी सर्विस दे रहा है, या फिर फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे। ये नहीं कि आप आरसीएम बेसिस पे भी जीएसटी जमा करवा रहे हैं या फिर खुद से ही फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी पे कर रहे हैं, किसी एक ऑप्शन में रहना होगा। इस नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया है और एक फॉर्म लॉन्च किया था, फॉर्म एनेक्सर 5, जो कि एक जीटीए के द्वारा भरा जाना है। इस फॉर्म को फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा, और जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उससे पहले ही 15 मार्च तक आपको ये फॉर्म भरना होगा। जो कट ऑफ डेट है वो 15 मार्च की है, मतलब कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, इसके लिए अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो जीटीए को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फॉर्म एनेक्सर 5 भरना होगा 15 मार्च 23 तक, अगर वो फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी पे करना चाहता है। फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस का मतलब क्या हो गया? जब जीएसटी आप इनवॉइस पे चार्ज करते हैं, मतलब जीटीए जब जीएसटी इनवॉइस पे चार्ज करता है तो वो फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे आता है, और जब जीटीए अपने इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करता तो जो रिसिपिएंट होता है वो आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करता है, तो वो आरसीएम आ गया। ठीक है, अभी अगर जो ट्रांसपोर्टर है वो चाहते हैं कि अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, तो उनको यहाँ पे एनेक्सर 5 फॉर्म ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखाता हूँ, लाइव बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, यूजर सर्विस में जाना होगा और यहाँ से देखो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जीटीए द्वारा ये फॉर्म भरा जाना है, फॉर्म एनेक्सर 5, जहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी को, और फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी को पे करेंगे। प्रोवाइड कर रहे हैं जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, और आप ऑप्ट करना चाहते हैं जीएसटी पेमेंट, जीएसटी की जो पेमेंट है फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे करेंगे, तो आपको यहाँ प्रोसीड करना है और उसके बाद ये फॉर्म भरना है। तो प्रोसीड पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो ये है फॉर्म, ये एनेक्सर 5, ये फॉर्म आपको भरना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम फर्निश कर रहे हैं डिक्लेरेशन कि जो जीटीए है वो फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे अपनी जीएसटी की पेमेंट करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नेम आ गया और उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस है और ये जीएसटी नंबर। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे देंगे। ध्यान रखना, इससे ऑप्ट करने के बाद आप सेम फाइनेंशियल ईयर में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी नहीं पे करवा सकते, मतलब कि आप ये नहीं लिख सकते अपने इनवॉइस के अंदर कि सामने वाला बंदा आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। ऑप्ट करने के बाद आप जो भी बिलिंग करेंगे उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर आपने इसे एक बार ऑप्ट कर लिया तो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको विड्रॉल नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड चार्जेस से बाहर निकल सकते हैं, और आप चाहे तो इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आरसीएम में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको भरते हैं
तभी आप फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब कि हर साल की 15 मार्च तक आपको जो भी ट्रांसपोर्टर है उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा अगर वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करता है तो। यहाँ पे दोस्तों हमने सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर को, फाइनेंशियल ईयर 23-24, अभी गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे देखो ये है एनेक्सर 5 का फॉर्म जहाँ पे हम अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई जीएसटी जो है जीटीए के द्वारा फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे किया जाएगा। और ये जुडिशनल अथॉरिटी हो गई, ये कमिश्नरेट हो गया, रेंज वगैरह हो गई, यहाँ पे ये आपको टिक करना होता है डिक्लेरेशन जहाँ पे बोलते हैं कि जो ऑथराइज पर्सन है यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है कि वो जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जीएसटी जो पे करेगा वो फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे करेगा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। और वो लाइबल है टैक्स की पेमेंट की इस एक्ट के अकॉर्डिंग, आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं कि ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से विड्रॉल नहीं करेंगे, एक बार इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर जब आपने ये ऑप्शन ले लिया तो यहाँ से आप इस पीरियड से, इस ऑप्शन से बाहर नहीं हो सकते, ऑप्ट आउट नहीं हो सकते। ये एक साल तक, एक फाइनेंशियल ईयर तक, ये पूरा साल के लिए ये फॉर्म जो है वो वैलिड होगा। इस पे टिक कर दिया, इस पे टिक कर दिया, ये दोनों पे टिक करना होता है, देन प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर प्लेस लेना है। यहाँ से प्लेस ले लिया और साइन विद ईवीसी पे क्लिक कर सकते हो, चाहे तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से आपको फॉर्म एनेक्सर 5 का फॉर्म दिखेगा। देख सकते हैं एनेक्सर 5 का ये फॉर्म इस प्रकार से आपको दिखेगा जहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी पे करूँगा। अभी क्या करना है दोस्तों, साइन इन फाइल विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं ओटीपी। देख सकते हैं सक्सेसफुली बताता है कि ये फॉर्म हो गया है सबमिट और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आ गया है। एक देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है और ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जो फॉर्म सबमिट किया है यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एनेक्सर 5 को। सो दोस्तों देखा आपने, ऐसे आपको एनेक्सर 5 भरना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।